हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका ओल्ड टाइम स्टडी चैनल पर और इस वीडियो की सीडीपी सीरीज़ में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम जो है कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक आपका। तो फिफ्थ पॉइंट जो है हम कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो शरीर के विभिन्न अंगों की विकास गति अलग अलग होती है, तो इसके में पढ़ लेते हैं। विकास तो शरीर के सभी अंगों और सभी मानसिक क्रियाओं में हर समय अविराम गति से होता रहता है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो मतलब बॉडी में, बॉडी के पार्ट में या फिर मानसिक क्रियाओं में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है। आज हम कुछ नया सीख रहे हैं तो कल को कुछ और सीखेंगे, तो इस तरीके से हमारी जो मानसिक क्रियाएँ हैं वो हमारे साथ जो अटैच होकर और शरीर के पार्ट से जुड़कर तो वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। परंतु समय विशेष में सभी शारीरिक अंगों, उनकी क्रियाएं, मानसिक क्रियाओं का विकास एक गति से नहीं होता है, लेकिन समय विशेष में जो आपकी फिजिकल पार्ट है और एक्टिविटीज़ है और मानसिक क्रियाएं हैं, उनका विकास जो है वो एक गति से नहीं होता। कारण है कि बच्चों की सभी विशेषताएँ एक साथ परिपक्व नहीं होती, तो जो मैच्योरिटी है वो एक साथ जो है यहाँ पर परिपक्व नहीं होती। जन्म के बाद सिर की तुलना में पाँव अधिक तेज़ी से विकसित होता है, तो धीरे धीरे आपका कुछ डेवलपमेंट जो यहाँ पे देखने को मिलता है। संवेदी विकास के अनुसार विभिन्न बौद्धिक योग्यताएँ भी अलग गति से विकसित होती हैं। तो जो हमारा सेंसरी डेवलपमेंट है तो उसमें जो हमारी बौद्धिक योग्यताएँ हुए हैं वो अलग अलग गति में विकसित होती हैं। जैसे जो सृजनात्मक कल्पना बाल्यावस्था में तेज़ी से बढ़ती है, एक जो मतलब क्यूरियोसिटी है यानी कि सृजनात्मक इमेजिनेशन है वो बाल्यावस्था में तेज़ी से बढ़ती है। हर चीज़ को बच्चा हो जल्दी से जो है यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू वो बाल्यावस्था में करता है और युवा अवस्था तक वो चीज़ जो है उसके लिए परिपक्व हो जाती है। जबकि तर्कना धीमी गति से बहुत दिनों तक विकसित होती है। जो रीजनिंग है वो मतलब स्लो यहाँ पे डेवलप होती है। नेक्स्ट है कि बच्चों के अधिकांश गुणों का विकास सहसंबंध होता है। बच्चों के जो अधिकांश गुणों का विकास है वो कोरिलेट होता है। पहले एक अवैज्ञानिक विश्वास फैला हुआ था कि विज्ञान गुणों के विकास में बच्चे भले ही एक दूसरे से आगे पीछे हो, परंतु सभी गुणों के विकास का औसत बराबर होता है। एक वैज्ञानिक यह विश्वास था कि जो विभिन्न गुणों के विकास में बच्चे भले ही एक दूसरे से पीछे हो, लेकिन गुणों के विकास का जो औसत है वो बराबर होता है। ऐसा विश्वास था यदि कोई बच्चा एक गुण में पीछे है तो दूसरे गुण में आगे होगा, जिसे फलस्वरूप गुणों का औसत बाहर हो सकता है। तो जैसे मैं क्रिकेट में अच्छी हूँ तो सामने वाला जो है वो पढ़ाई में अच्छा होगा, तो हर जो है वो किसी ना किसी फील्ड में जो है यहाँ पे अच्छा होगा, यानी कि औसत कुछ ना कुछ, या तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, मतलब हर फील्ड में जो है वो किसी ना किसी तरह से औसत में जो उसके लेवल पर होगा। गुणों के विकास में सहसंबंध होगा। यदि बच्चों की बुद्धि अधिक है तो उसकी जो भाषा, सामाजिकता आदि भी अधिक ही होगी। हर लोग के अनुसार बुद्धिमान बच्चों का लैंगिक विकास बुद्धिहीन बच्चों से पहले होता है। तो हर लोग के अनुसार बुद्धिमान बच्चों का जो लैंगिक विकास है वो बुद्धिहीन बच्चों से पहले होता है। मंदबुद्धि वालों का शारीरिक विकास भी जो है कुंठित रहता है। स्पष्ट हुआ कि बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों के विषय बीच धनात्मक सहसंबंध रहता है। अब जो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आज आप छोटे बच्चे हो, अगर आपने पोलियो की दवाई नहीं पी है तो जो है भविष्य में उसका जो मतलब इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर आप आज 5 साल से पहले पोलियो की दवाई पी लेते हो तो जो भविष्य में जो आप बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, तो कहीं ना कहीं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि आपका डेवलपमेंट आज ऐसा है। अगर आप पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो उस टाइम जो आपका कैसा होगा। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का अपना विशिष्ट गुण होता है, तो स्पेसिफिक जो है यहाँ पे गुण होता है। बाल विकास भी बिना अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, तो हर स्टेज से होकर गुजरता है। विकास एक अखंड, विकास के जो है वो अखंड है, यानी कि इसके टुकड़े नहीं किया जैसा, और निरंतर प्रक्रिया है। सभी अवस्थाओं में एक दूसरे से अटूट ढंग से जुड़े रहते हैं, फिर भी इसकी प्रत्येक अवस्था की कुछ निश्चित
विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन अवस्थाओं की पहचान होती है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण पाता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में जब होता बच्चा तो भाषा सीखने, वातावरण के विभिन्न अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने, वातावरण की विभिन्न चीज़ों को जानने पहचानने आदि में लगा रहता है। और ठीक विपरीत जो 3 से 6 वर्ष के बीच है वह अपने आप को जिक बनाने में व्यस्त रहता है। कुछ अवस्थाओं में बच्चे पूरी तरह अभियोजित रहते हैं और कुछ अवस्थाओं में उन्हें अभियोजन की कठिनाइयों का अनुभव होता है। बुहलर के अनुसार 15 महीने और 1.5 वर्ष और 10 से 15 वर्ष की आयु में बच्चे अभियोजन का कठिनाइयों के कारण असंतुलित रहता है, अन्य दिनों में वे सामान्य रूप से संतुलित रहते हैं। बहुत से व्यवहार जिन्हें अनुचित समझा जाता है विशेष आयु के लिए सामान्य अनुचित है। तो व्यवहारों को हम सामान्य और असामान्य नामों में वर्ग करते हैं। 2 वर्ष का बच्चा यदि बिस्तर पर पेशाब कर दे तो अनुचित व्यवहार नहीं कहेंगे, लेकिन 10 वर्ष का जो बच्चा हो बिस्तर पर पेशाब कर दे तो कहेंगे हाई इतना बड़ा हो गया ये काम कर रहा है, तो इस व्यवहार को असामान्य और अनुचित जो यहाँ पे कहेंगे। तो इस प्रकार का जो अनुचित व्यवहार होता है, जैसे गलियों में घूमना, जमीन पर लेटना, स्कूल से भागना, तो आक्रामक जो व्यवहार करना वो अनुचित व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। सभी व्यक्ति विकास की सभी प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। विकास एक नियम और प्रणाली का अनुसरण करते हैं, एक जो रूल है और सिस्टमेटिक जो वो यहाँ पे अनुसरण करता है। इसी से लगी विकास की यह भी विशेषता कि प्रत्येक व्यक्ति विकास की सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बड़ी कठिनाइयों के कारण विकास की गति कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है, परंतु यह संभव नहीं कि किसी अवस्था को छोड़कर विकास उससे आगे की अवस्था में प्रवेश कर जाए। बच्चा जो है वो गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये नहीं है कि वो किशोरावस्था को छोड़ के जो है वो प्रौढ़ावस्था में चले जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विकास का एक सिक्वेंस पैटर्न होता है, परंतु किसी अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। बेहने के बाद बच्चा खड़ा होगा और उसके बाद चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि बैठने के बाद ही वह चलना प्रारंभ कर दे। तो यहाँ पे जो है मानसिक क्रियाओं का विकास अवस्था, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले बैठे नहीं और पहले चलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार शैशवावस्था को वो स्किप नहीं कर सकता, हर चीज़ का जो सीक्वेंस पैटर्न है। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बालक के विकास पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। कुछ तत्व उसके विकास में सहायक होते हैं और कुछ विकास को कुंठित या विलंबित कर देते हैं। बालक के विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उनमें से कुछ तो स्वयं उसके अंदर विद्यमान होते हैं और कुछ उसके वातावरण में पाए जाते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक देते हैं, तो बुद्धि का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है व्यक्ति के वृद्धि और विकास में। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व बालक की बुद्धि समझी जाती है। परीक्षणों या प्रयोगों से इस बात को प्रमाणित किया गया है कि तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास मंद बुद्धि के बालकों के विकास की अपेक्षा तेजी से होता है। तो जो तेज बुद्धि वाले बालक हैं वो मंद बुद्धि बालक से अपेक्षा अधिक तेजी से होंगे। तो टर्मन ने एक अध्ययन में पता लगाया कि प्रखर बुद्धि के बालकों में चलने की क्रिया 13 महीने और बोलने की क्षमता 11 महीने में प्रकट होगी। एक बच्चा 13 महीने में जो है वो चलेगा और बोलने की जो क्षमता होगी वो उसकी 11 महीने में होगी। तो 1 साल से पहले ही बच्चा जो है बोलने लग जाता है, जबकि बहुत दुर्बल बुद्धि के बालकों में ये क्रियाएँ क्रमशः 30 और 15 महीने में उत्पन्न हुई। तो जो दुर्बल बुद्धि के बालक हैं उनमें 30 और 15 महीने, तो काफ़ी टाइम हो गया ये जब तक बच्चा नहीं बोल रहा है। इसी प्रकार बुद्धि और काम शक्ति के विकास में यही संबंध पाया जाता है। तो बुद्धि और काम शक्ति के विकास में यही संबंध पाया जाता है। प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट बुद्धि में काम शक्ति का प्रथम उदय सामान्य बुद्धि के बालकों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। दुर्बल बुद्धि के बालकों में या तो काम शक्ति परिपक्व ही नहीं होती या उसकी परिपक्वता काफ़ी विलंबित होती है। बुद्धि बालक के विकास को काफ़ी समय तक प्रभावित करती है। तो हमने बुद्धि पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे यौन।
तो बुद्धि की जो भांति है वो यौन भेद का प्रभाव न केवल शारीरिक विकास पर पड़ता है बल्कि मानसिक गुणों का भी विकास इस पर जो प्रभावित होता है। जन्म के समय लड़के लंबाई में लड़कियों से कुछ अधिक होते हैं, जन्म के समय लड़के लड़कियों से कुछ अधिक होते हैं, परंतु बाद में जो लड़कियों का विकास है वो तेज़ी से होता जाता है और लड़कों की अपेक्षा पहले ही परिपक्व हो जाता है। तो काम शक्ति लड़कियों में लड़कों से 1 या 2 वर्ष पूर्व ही परिपक्व हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखें कि जो वो मानसिक गुणों शारीरिक गुणों से रिलेटेड लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है वो यहाँ पे परिपक्वता पहले आ जाती है। 10-11 वर्ष की अवस्था में पहुँचकर समान आयु की लड़की लड़के की अपेक्षा कुछ लंबी हो जाती है। तो 10 या 11 वर्ष की अवस्था में पहुँचकर आयु की लड़की लड़के की अपेक्षा कुछ लंबी हो जाती है। बुद्धि लब्धि से पता चलता है कि मानसिक विकास में भी लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा कुछ पहले ही मानसिक परिपक्व हो जाती हैं। तो ये सारी भिन्नताएं यौन भेद के कारण ही दिखलाई पड़ती है। अतः कहा जा सकता है कि बालक के विकास पर उसके पुरुष या स्त्री होने का प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है वो मेजर फैक्टर है यहाँ पे। नेक्स्ट है आंतरिक ग्रंथियाँ। तो मनुष्य के शरीर के भीतर बहुत सी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन ग्रंथियों के कारण शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है। इन रसों पर अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक विकास निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए गले में स्थित पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम उत्पन्न होती है जिससे शरीर में हड्डियों का निर्माण होता है। तो जो है यहाँ पे गले में पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम उत्पन्न जिससे शरीर में हड्डियों का निर्माण होता है। थायराइड ग्रंथियाँ द्वारा आयोजित उत्पन्न किया जाता है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि और मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि की अति क्रियाशीलता के कारण शरीर का सामान्य विकास जो यहाँ पे रुक जाता है। बालकों के भीतर बचपना बहुत दिनों तक रहता है। गोनड की मंद क्रियाशीलता से तरुणावस्था आने में विलंब होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है शरीर विकास के लिए आवश्यक है। सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि और मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि की अति क्रियाशीलता के कारण शरीर का सामान्य विकास जो यहाँ पे रुक जाता है आंतरिक ग्रंथियों में। ये नेक्स्ट है जाति। तो जाति का भी काफ़ी जो है यहाँ पे मेजर फैक्टर है। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास पर जाति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप उदाहरण के द्वारा पुष्टि करेंगे कि जो निग्रो नेपाली भारतीय भूटानी विकास यूरोपीय जातियों के बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे होता है। इस भिन्नता का कारण है जातीय भिन्नता। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से न केवल शारीरिक गठन वर्ण और आकृति में भी जो भिन्न होते हैं बल्कि जातीय भिन्नता का प्रभाव उनकी बौद्धिक नैतिक और अन्य सामाजिक अन्य मानसिक क्षमताओं के विकास पर भी दूर दूर तक पड़ता है। तो एक जाति का भी जो काफ़ी रोल है डेवलपमेंट में। पोषाहार। तो पोषाहार की गणना उन तत्वों में की जाती है जो बालकों को बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं। बुद्धि यौन ग्रंथि और जाति के समान यह बालक के भीतर जन्म से ही विद्यमान होता पोषाहार का प्रभाव शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के विकास पर जिस सीमा तक पड़ता है सभी को जो है यहाँ पे विदित करता है। बालक के विकास में भोजन की मात्रा का उतना महत्व नहीं होता जितना भोजन के भीतर पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे विटामिन आदि का। तो शारीरिक दुर्बलता और दांत तथा चर्म संबंधी बीमारियों का कारण पौष्टिक भोजन है। तो जो स्वस्थ पौष्टिक आहार खाना चाहिए। अब है रोग। तो शारीरिक बीमारियां आघातों का शारीरिक विकास पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है। बचपन की गंभीर बीमारियाँ जैसे टाइफाइड मस्तिष्क आघात का बहुत दिनों तक बना रहता है। इस फलस्वरूप बालक उचित शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर पाता। इससे विपरीत जो बालक स्वस्थ रहता है उसका विकास सामान्य ढंग से चलता है और वह ठीक समय पर परिपक्वता पा लेता है।
घर का वातावरण, बालक के विकास पर वातावरण का जो है वंश परंपरा के समान ही प्रभाव पड़ता है। तो घर का वातावरण पे जो है वो बच्चे का जो है वो जन्म से ही जो है प्रभाव पड़ता है। बालक को उसके घर का वातावरण अन्य वातावरण से पहले ही प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चे का प्राथमिक स्कूल है वो घर ही होता है, और घर के वातावरण से ही सबसे पहले वो जो हर चीज़ जो है प्राप्त करता है, उसका प्रभाव उसके विकास पर काफ़ी दूर तक पड़ता है। तो घर के वातावरण का प्रभाव भी बच्चे के विकास पर पड़ता है। जिस घर में बालक अन्य बालकों को नहीं पाता, वहाँ उसका विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। तो अन्य बालकों को नहीं पाता तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो धीमी धीमी गति से होगा। इसके विपरीत जिस परिवार में कई बालक होते हैं वहाँ सबसे छोटे बालक का अनुकरण का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो छोटे बालक का अनुकरण का पर्याप्त अवसर भी जो है वो बच्चे को मिलता है, उसका विकास जो तेज़ी से होता है। अगर उसके घर परिवार में कोई बच्चा ही नहीं होगा तो वो उसके अनुकरण से फिर कैसे सीखेगा, वो तो अकेला ही अपने आप को महसूस करेगा। अंततः परिवार में किसी बालक का कौन सा स्थान है यह बात भी उसके विकास को प्रभावित करती है। तो घर का वातावरण तो हमने जो है इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किए कि वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाले जो है महत्वपूर्ण कारक, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।